दोस्तों ये है 204 नंबर कमरा और आप देखोगे बेड पड़े हुए हैं, एक बेड ये पड़ा हुआ है, दूसरा बेड वो है, बीच में जो है ना ये टोकरी बनी हुई है, एक बेड ये है, ये आप देखिए, कहीं भी इसके अंदर आप तीन तीन बेड पड़े हुए हैं, बिल्कुल 10x10 का कमरा है और यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई फेरे नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता और शादी नाम की चीज तो इसके अंदर हो ही नहीं सकती। ये 204 नंबर कमरा। तो दोस्तों एक बार फिर से गुलाम हैदर के जो भारत के वकील हैं एडवोकेट मैमून मलिक सर, उन्होंने नेपाल पहुंचकर फिर से सीमा हैदर का भांडा फोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो सीमा हैदर अपने आप को सती सावित्री कहती है और कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं भी एक औरत थी, इस तरह की और भी बातें करके लोगों को गुमराह करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ये अपने ही झूठ में फंस जाती है, ये अपने पीछे राज छोड़ जाती है, इसलिए जो है ये पकड़ी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस नेपाल की होटल में ये भगोड़ी 7-8 दिन रही थी, उस नेपाल की होटल में मैमून सर पहुँच चुके हैं और आज उन्होंने यानी होटल के जिस रूम में ये भगोड़ी थी 420 उस रूम का नंबर है, तो आज मैमून सर ने वहाँ पहुंचकर वो रूम भी बताया है और दिखाया है कि देखो ये बोलती है कि हमने नेपाल की होटल में शादी की है, जबकि वहाँ पर 7 फेरे बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, इतना 10x10 का ये छोटा सा रूम है और तीन तीन बेड है, बताइए कैसे वहाँ पर शादी के 7 फेरे हो सकते हैं। तो दोस्तों मैमून सर की मैं आप लोगों को यहीं पर पूरी वीडियो दिखाऊँगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों ये है 204 नंबर कमरा और आप देखोगे इसके अंदर ये बाथरूम है और ये तीन बेड पड़े हुए हैं, एक बेड ये पड़ा हुआ है, दूसरा बेड वो है, बीच में जो है ना ये टोकरी बनी हुई है, एक बेड ये है, ये आप देखिए, कहीं भी इसके अंदर आप तीन तीन बेड पड़े हुए हैं, बिल्कुल 10x10 का कमरा है और यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई फेरे नहीं हो सकते, कोई शादी नहीं हो सकती। इसमें केवल जो है वो गलत काम हो सकते हैं, सेक्सुअल नाजायज संबंध हो सकते हैं, इसके अलावा इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता और शादी नाम की चीज तो इसके अंदर हो ही नहीं सकती। ये 204 नंबर कमरा आपको मैं दिखा रहा हूं और ये लॉक लगा हुआ था, ये देखो 10x10 का ये कमरा है, कौन कह सकता है कि इसके अंदर शादी हो जाएगी। ये एक बेड पड़ा हुआ है, ये बाल्टी पड़ी हुई है, जग पड़ा हुआ है, पैर रखने की यहाँ पर जो ना जगह नहीं है, ये एक टेबल पड़ी हुई है, आप देखिए टेबल है और ये छोटा सा बाथरूम इसके अंदर है। तो आप देखो कि इस कमरे के अंदर कैसे जो ना कोई शादी कर सकता है, पैर भी रखने की इसके अंदर जगह नहीं है। तो दुनिया को झूठ बकाया गया है, बेनकाब किया गया है और ये सब चीज आपके सामने आ गई है। आप खुद डिसाइड करो कि क्या इस 10x10 कमरे के अंदर, जिसके अंदर तीन बेड पड़े हुए हैं, दो दो तीन तीन बाल्टी पड़ी हुई है, टेबल पड़ी हुई है और छोटा सा बाथरूम है, एक पंखा लगा हुआ, तो क्या इसके अंदर मैरिज हो सकती है। तो ये सब झूठ है, दिखावा है दुनिया को बदनाम करने की, दुनिया के साथ को बहकाने की ये बहुत बड़ी साजिश और कोशिश है। धन्यवाद।